समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, फिरोजाबाद जनसभा करते हुए उन्होंने कई मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य हुए हैं सपा में शामिल, मंच से कहा कि ऐसी आंधी और तूफान चला है, इसमें योगी की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। हमने 5 साल तक इनके साथ रहकर इनकी असली चेहरे को देखा है, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा कर दिया, ना किया विकास कर दिया सत्यानाश। नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। योगी सरकार में जो भी परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया और भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसानों की बात करें तो किसानों के खिलाफ बिल लाए इसने, किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। योगी जी अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, एनकाउंटर भी जात देखकर करते हैं। अगर योगी जी की जाति का कोई अपराधी है वह बाहर नजर आता है, और अन्य बिरादरी का कोई अपराधी है उसका सीधा एनकाउंटर होता है। यह जातिवादी हैं और अपनी जाति के अथवा किसी को पसंद नहीं करते, इसलिए बारी बारी सबके साथ धोखा करते हैं। इन्होंने 75 लाख नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी के नाम पर योगी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। जो भी योगी सरकार में आज तक परीक्षा हुई, या तो पर्चा लीक आउट हो गया या भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। वहीं पर किसानों ने भी इनका साथ दिया। अरे यार, बहुत सरकार में आने के बाद भाजपा के लोगों ने किसान विरोधी बिल लाया, किसान विरोधी बिल ला करके किसानों की कमर को तोड़ने की कोशिश की। यहां तक कि किसानों की उपज और किसानों की खेती को अदानी और अंबानी के हाथों में बेचने का प्रयास किया। लेकिन लाख सालों साल किसानों के धरना प्रदर्शन आंदोलन के सामने आपका सरकार को झुकना पड़ा और बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन जो दर्जनों किसान शहीद हो गए, उनका कोई पुरसा हाल नहीं। आंदोलन के दौरान किसानों को कभी आतंकवादी कहा तो कभी राष्ट्रद्रोही कहा। इसलिए साथियों, ये इनका असली चरित्र है। यह दलित विरोधी है, क्योंकि दलितों के हर छर पर डकैती डालना शुरू कर दिया। ये पिछड़ा विरोधी है, क्योंकि पिछड़ों के हर छर पर भी इन्होंने अंगर की तरह में योगी जी अपने जात जाति के लोगों को भर रहे हैं। यहां तक कि इनकाउंटर भी जात देख के करते हैं। अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइन के बगल जौनपुर में क्रिकेट खेलता नजर आता है। अगर ब्राह्मण बिरादरी का कोई अपराधी है, यादव या बैकवर्ड बिरादरी कोई अपराधी है, मुस्लिम बिरादरी का कोई बिरादरी है, दलित बिरादरी का कोई अपराधी है, तो उसका सीधे इनकाउंटर होता है। ये जातवादी है, यह अपनी जात के अलावा किसी जात को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए बारी बारी सबके साथ धोखा करते हैं। यह इनकी गलतियों से छोटा व्यापारी परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, भुखमरी कगार पर है। यही नहीं, बचा खुचा योगी जी के छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर जा रहे हैं। इसलिए साथियों, क्योंकि समय खत्म होने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा बात न करके, क्योंकि अभी मैनपुरी की सभा में जाना है, अपील करता हूं कि दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, छोटा मध्यम व्यापारी विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी योगी सरकार को है, हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश की सरजमीन से उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें,